पे अपनी अकल होती है बे, क्या हमको अच्छे चल रहा है? रोड टू 5 मिलियन, रोड टू ये, रोड टू, अरे क्या डालेगा क्या 5 मिलियन? वो चीज मेरे को कॉल करके बोलो ना, लाइक ऐसे सबके सामने कुछ बोल रहे हो तो। और हेलो सो गाइस, आपसे कैसे, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। और गाइस आपको तो पता होगा हमारे रिसेंटली कियान भाई का जो एक्सीडेंट हो गया है उसमें हमारे नीरज भाई नहीं आए थे और कॉल भी नहीं किया था, इसलिए हमारा ग्रेजुएट भाई या मतलब आयुष भाई अपने क्या रिप्लाई दिए हैं आपको देख लो। देखो एक्सीडेंट हुआ, सब हुआ ना, उस बंदे ने एक बार कियान भाई को कॉल की खुद से, मतलब तुम्हारे घर में कोई मम्मी पापा बड़ा भैया नहीं है क्या समझाने वाला समझदार, कि तुम्हारे कोई एक टीममेट का ऐसा हो गया एक्सीडेंट जो ICU में रहा है 7 दिन मरने की हालत में, तुम्हारे घर में से कोई ऐसा नहीं है क्या कि बता दे तुमको कि ऐसे टाइम पे थोड़ा होता है कि भाई जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उसके कुछ देर बाद तुम वाओ वी कंप्लीटेड 4 मिलियन का वो रोज रोज मस्त लाइव कर रहे हो, एक बार तुमने एक भी दिन लाइव हो नहीं गया या कहीं कुछ तुमने नहीं डाला कि गेट वेल सून ज्ञान भाई या ये चीज कहीं नहीं डाला तुमने, ठीक है। और वो बंदा मेरे से ज्यादा तुमको इज्जत देता है, अभी भी लाइव करोगे तो बंदा मेरे से ज्यादा तुमको इज्जत देता है नीरज भाई करके। और आने का तोड़ने दाई ने बोला था नीरज भाई को आने का तो बोलता कि मैं नहीं आ पाऊंगा इतनी दूर से, तो आने की बात रही, जिसको आना होता है वो आ जाता है। वो यू भी मोटे 2 दिन पहले मिला वो ज्ञान भाई को बंदा, ज्ञान भाई ने एक बार उसको बोला कि मोटे मेरे पास आ जाओ, तो बंदा काठमांडू से पैसे नहीं थे उस पे, उधार पैसे लिया अपनी वाइफ के घर से, मतलब वाइफ के घर से जो होता है ससुराल, वहां से आया वो बंदा। यू भी मोटे आपको पता होगा, तेरे को बताना मानिया, पता है। तो वो बंदा काठमांडू से नेपालगंज आया, नेपालगंज से अकेला हॉस्पिटल पहुंच गया, ठीक है। और मैं ये बात बता रहा हूँ, दिल की बात है, मेरी बात नहीं है, ये सब की बात है, वहाँ पे जितने भी लोग हैं ज्ञान भाई के पास सबके मन में यही बात है कि इस बंदे ने क्यों नहीं कुछ किया। तोड़ने दाई का तो ऐसा से ऊपर से एक 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 कॉल भी नहीं सामने से, ये ज्ञान भाई को तो ज्ञान भाई शायद मेरे को नहीं ज्ञान भाई को खुद कॉल करना पड़ा, ज्ञान भाई को खुद कॉल करना पड़ा, मुझे नहीं पता। मेरे को तो वो एक कल चैट दिखाई थी तोंडे दाई ने, तो जिसमें बोल रहा था नीरज भाई तेरी चैट बता रहा हूँ तुझे, तो बोल रहा था जो अरे यार तोंडे दाई अभी जो होना था वो तो हो गया, लाइव करना तो मेरा काम है, तो हम लोग मतलब ऐसे टाइम पे वर्ड्स देख रहे हो, जो होना था वो हो गया, लाइव करना मेरा काम है, ये अदर ऐसे नहीं, मतलब उसने आराम से बोला था मेरा काम है ये करना, तो लाइव वाइव करना और ऐसे चैट पे या टाइटल ला के या स्टोरी डाल के मेरे को कंसर्न करना अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे अच्छे मतलब से मना है, तुम्हारा दोस्त है वहाँ पे वो जो तुमको हमसे ज्यादा इज्जत देता है, तुम एक टाइटल नहीं लगा पाए गेट वेल सून ज्ञान भाई करके, गाली देने का मन कर रहा है ये मेरे इस बात पे, सही बता रहा हूँ, सच में गाली देने का मन कर रहा है, तुम्हारे अच्छे बुरे से मतलब है या मैं, चलो मैं बताता हूँ, ये कहना है कि ये मेरा काम है ये काम करना। तोंडे दाई अकेले फैमिली चलाते हैं अपनी, अकेला बंदा है 2-3 फैमिली संभालता है अपनी, वो बंदा 20 दिन से नेपाल से इंडिया बैठा है ना कुछ अपलोड करके, तोंडे दाई छुतिया है, सुनीता अकेली बंदी है वो, अपना यहाँ पे इंडिया में संभालती है, यहाँ से रुपये अपने घर नेपाल भेजती है, सुनीता छुतिया है। चलो मैं तो सही है, मैं तो मेरे को तो छोड़ो, मेरे से मतलब कोई तुम्हारे घर पे बड़ा भाई मम्मी पापा नहीं है कि ऐसी हालत हो गई है। अरे वो जो छोटा सा वो कैसा कौन आ गया था, वो कार्तिक आया था, भाई वो कार्तिक अपने पापा के साथ ट्रेन से 1-2 दिन की जर्नी करके मिलने आया, आज असिंजो भाई आया है, असिंजो है जो अपना, असिंजो एलेक्सा भाई आया है, ठीक है सब छोड़ो भाई तुम, एक भी दिन लाइव उसने एक भी दिन लाइव, ऐसा नहीं हुआ कि चलो एक दिन छोड़ देता हूँ या गेट वेल सून ज्ञान भाई या कुछ भी, ये मत सोचना कि मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं नहीं बात बता रहा, शायद तुम्हारे साथ अभी कभी तोंडे दाई भी नाता नहीं रखेंगे, मेरे अंदर की बात है। और थोड़ी सी तुम्हें अभी शायद मजाक लग रहा हो, तो थोड़े टाइम में तुम्हें चीजें पता भी चल जाएंगी कि चीजें कितनी सीरियस होती है, मतलब भाई एक ह्यूमैनिटी होती है ना। अभी भी मैं आज लाइव आया हूँ ना, तो ज्ञान भाई ने मेरे को कल बोला है आयुष और सुनीता तुम कल लाइव जाओ, समझ रहे हो, मतलब भाई तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त, मतलब तुम भाई वो हमसे ज्यादा कल ऐसे लोग आ रहे हैं ना, कल ऐसे लोग आ रहे हैं ना कि आप खुद समझ जाओगे, बट वो बंदा नहीं आ सका। मैं बता दूं कौन आ रहा है, चलो बता ही दे रहा हूँ कल हमारे साथ अज्जू भाई, अमित भाई आ रहे हैं, परसों अज्जू भाई, रोमियो और एक दो बंदे और, तो भाई बंदे 7 समुंदर पार से भी आ जाते जिसको आना होता है भाई, ठीक है। मोटा भाई तो। वो मोटा शायद होता तो मिलवाता, इतना अच्छा बंदा है वो, 2 दिन मिला ज्ञान भाई की टेक केयर कर रहा है वो, बैठा बैठा वहाँ पे उधर बैठा बैठा
सुसु करते ज्ञान भाई के, तो सुसु कर कराने कराना पड़ता है, फिर उसको फेंकना होता है वो लोटा। उसके लिए मेरा रिस्पेक्ट है उस बंदे के लिए बहुत। दो दिन का बंदा काठमांडू से लखनऊ आ गया, ठीक है। और नीरज भाई तुम्हारे लिए, तेरे लिए इज्जत नहीं है भाई, बिल्कुल इज्जत डूब गई। मेरे को ऐसा लगा अगर मेरा भी एक्सीडेंट होता, मैं मरने की हालत में होता, तुम ना मुझसे पूछते और ऐसे ही तोंडे दाई के साथ होता, तुम उनसे भी ना पूछते, ठीक है। और तुम डेली लाइव करते अपना, ये बात तुमको मजाक लग रही होंगी, अभी ज्ञान भाई सही होंगे या तोंडे दाई, अब तुम जाके बात करोगे तो तुमको चीजें पता चलेंगी, ये बात कितनी सीरियस है, ज्ञान भाई को ये बात कितनी बुरी लगी है, और तोंडे दाई को तो कितनी बुरी लगी है, रोने जैसा मुंह हो गया था। वो बता रहे थे कि इस बंदे को मैंने बनाया और मेरी बात नहीं समझ रहा है। तुमको जब समझा रहे थे तोंडे दाई के, एक दिन आके मिल लो या एक दिन टाइटल डाल लो, एक दिन कम्युनिटी या वो डाल लो, तो भाई कुछ नहीं, तुम अपने 4 मिलियन के सेलिब्रेशन में वो फिर रोड टू 5 मिलियन डाला तुमने, मतलब ये चीज है अभी क्या चल रही हो तुम, मतलब इंसानियत नाम की कोई चीज है या नहीं है, मतलब इसका मतलब तुम तो बस आगे बढ़ने के लिए किसी को भी यूज करने के लिए थे बस। बस तुम फिर ये चीज बताया नीरज भाई, लालच दिखाती है बाहर वाले लोगों को, ठीक है। और तोंडे दाई को कितना बुरा लग रहा होगा जिस बंदे ने तुमको शुरू से सपोर्ट किया, तुम उसी की बात नहीं मानी, पर बात तो मान लेते। और वो बात छोड़ो, तुम्हारे घर पे कोई समझदार नहीं है क्या, मतलब घर पे कोई ऐसा नहीं है कि घर वाले होते ना बता देते नहीं भाई यार ऐसा तुम्हारे साथी के साथ ऐसा हुआ है, तो एक दो दिन लाइव मत करो, या करो तो थोड़ा होता है एक स्टोरी, एक कम्युनिटी टैब। भाई लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, बस यही बात है। अभी तो मैंने अपने मन की बातें बोल दी है, शायद अभी मेरे को तो नहीं लग रहा तोड़ने था नीरज को कुछ बोलेंगे, अभी मुझसे बोले कि शायद नई बात मतलब रिश्ता नाता खत्म है उसे, मतलब अंदर की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और ज्ञान भाई को तो क्या ही बोलूँ, उनका तो मतलब एक होता है ना ज्ञान भाई, तो भाई वो तो अभी मैं क्या बोलूं भाई, अब लाइव पे मतलब बहुत कुछ है, ये तो हमने गाइस बताया जो 20% बात है, ऊपर की बात बताई है मैंने आपको, तो अंदर बहुत कुछ अंदर की तो इतनी बात है ना, तो बस यही है। अब तुम मेरे से पूछ रहे हो, मुंह की बात छिनवा ही रहे हो, तो मैंने बोल दिया भाई ये सीन चल रहा है, ठीक है। और थोड़ा बहुत और भी लोग हैं, ठीक है, मैं लाइव पे ये करने नहीं आया ना, तो मेरे को ये बात ज्यादा करनी नहीं है गाइस, तुमको ये बात मैंने बता दी, ठीक है। और नीरज भाई ये बात दिल से मुझे भी बहुत बुरी लगी, अगर मेरा एक्सीडेंट होता है किसी का होता तो तब भी यही करते भाई, मैंने तो सीख ले ली अभी। और तुमको और सारी बात जब सही होंगे ज्ञान भाई तो वही बताएंगे, ठीक है। और राइज स्टार भाई का कुछ वो नहीं है, तुम राइज स्टार की चलाए जा रहे हो यार, राइज स्टार भाई की तो रोज बात हो रही है ज्ञान भाई से, आने वाने का प्लान भी है, फेस रिवील नहीं हुआ राइज स्टार भाई का, तो यहाँ पे चंदन हॉस्पिटल है, बच्चों की भीड़ लग जाती है बहुत, समझ रहे हो, तो फैन लोग मिलने आते हैं, क्रिएटर भी यहाँ पे भी 10 क्रिएटर पड़े होंगे अभी, एसिन जो है एलेक्सा भाई उधर है, नयन भाई भी मिल गया आने को, एक दिन में मिलके चला गया नयन भाई, एरो आई भी, मैं बताऊँ ना तुमको लिस्ट कितने लोग मिलके, कम से कम 100 लोग मिलके जा चुके हैं, उनके अंदर कुछ वो नहीं होता क्वेश्चन या लालच कि मैं जाके वीडियो बनाऊँ या कुछ करूँ या कुछ नहीं होता, सब आके मिलके चले गए, ठीक है। और बस मेरा बस यही बोलना था लाइव पे, बस हो गया। और गाइस देखते हैं यहाँ पे नीरज भाई का जो क्या रिप्लाई आता है इसके ऊपर, मैं ज़्यादा रिएक्ट नहीं करूँगा इस बात पे, ठीक है, बस इतना ही बोलूँगा, सबका अपना अपना सिचुएशन होता है, ठीक है, लाइक सबकी अपनी अपनी होती है, और मैं ज़्यादा रिएक्ट नहीं करूँगा, फिर मेरे को किसी से कुछ करना भी नहीं है, ठीक है। अब जो जितना समझ पाए उनके 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 पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग सही है ना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सही हूँ, मेरे को कुछ चीज़ें मेरी भी होती है, समझ रहे हो ब्रदर। अगर चलो माना कि किसी का कुछ हुआ, ठीक है, ज्ञान भाई का हुआ, बुरी मेरे को भी लगी, लाइक मैंने भी प्रे किया, मैंने भी घर पे, मैं भी सैड था, ठीक है। बाकी यूट्यूब तो मेरा काम है, मैं करूँगा ना वो ब्रो, और वही है गाइस, कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कुछ बुरा भला बोला नहीं है, लाइक ये सब जो भी चीज़ें हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि मैं गया नहीं मिलने, ठीक है, मैंने बोल दिया। और मैंने कुछ पोस्ट नहीं करा क्योंकि गाइस मेरे को अच्छा नहीं लगता पोस्ट करना, कोई किसी का कुछ हो जाता है मैं उस चीज़ पे पोस्ट नहीं कर सकता, मेरी आदत नहीं है ना, कुछ भी पोस्ट नहीं करता मैं, आपने मेरे को देखा होगा, लाइक क्या ही पोस्ट करा, ऊपर से मेरा फेस रिवील में नहीं हो रखा, मैं ज़्यादा घर से निकलता नहीं हूँ, लाइक मैं खुद ही इंट्रोवर्ट हूँ, जो जितना हूँ यूट्यूब पे हूँ, तो वो चीज़ पे अगर आपको जज करनी है मैं मिलने नहीं गया इस वजह से, गद्दार लाइक धोखेबाज ये वो रिश्ता नाता खत्म, तो मेरे को पता नहीं है, आप लोग जो करो। बाकी गाइस मैंने किसी की गद्दारी नहीं करी है, बहुत करी है, मेहनत करके आया हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करी है, देख लो गाइस इतने मतलब 2000 वीडियोस डाले हैं, समझ रहे हो, तो भाई आप देख लो, कुछ नहीं छोड़ो,
मैं ज़्यादा रिएक्ट नहीं करूँगा यार, बट मेरे को दिल से बुरा लगा अब ये चीज़ सुनकर। कर लो भाई कोई ना, मैंने भी देख लेना भाई, छोड़ो। अरे आप लोगों की मर्जी गाई, जिसको भी अनसब्सक्राइब करना हो आप लोग खुशी खुशी कर सकते हो। अगर आपको लाइक मैं नहीं जा पाया किसी रीज़न से तो अब छोड़ो, वही चीज़ है। छोड़ो छोड़ो, मैंने आप सबको हज़ार बार रीज़न बताया भी था लाइव पर। आप सब पहले से भी मेरे को पूछ रहे थे ज्ञान भाई से मिलने क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए, मैं सबको बताया उसी रीज़न से। गाइस आप लोग मेरे को गद्दार बोलोगे बोलो यार, अब मैं कुछ बोलूँगा नहीं, ज़्यादा रिएक्ट करने वाली बात भी नहीं है। लाइक मेरे इधर से तो हमेशा सब कुछ सही रहा है। अब पता नहीं गाइस किसको दिल में क्या चोट लग गई पता नहीं। बाकी उन्होंने बोला घर में कोई समझदार नहीं है, वो बात नहीं है ब्रो। बात ये गाइस लाइक मैं और मम्मी रहते घर में, मम्मी बीमार है तो मैं जा नहीं सकता उनको छोड़कर। लाइक लखनऊ बहुत दूर है, मैं गाड़ी पर ट्रैवल नहीं कर पाऊँगा, समझ रहे हो, बहुत दूर है। और लाइक फिर भी 7-8 घंटा मेरे इधर से तो बहुत ज़्यादा दूर है, और अकेले जा नहीं पाऊँगा ना गाइस, समझो। इंडिया जाना है, नेपाल से इंडिया, लाइक जो मैं दूसरी कंट्री, वही चीज़ है। जो करना है करो गाइस, अनसब्सक्राइब करना है यू कैन डू इट गाइस, किसी का कुछ लिया नहीं है तो आप लोग कर सकते हो अनसब्सक्राइब, खुशी खुशी से कर लो। मेरी बात नहीं समझ सकते तो आप लोग अनसब्सक्राइब कर सकते हो गाइस, फिर से मेहनत कर लूँगा, क्या दिक्कत है। भाई कुछ नहीं बोलना यार, आप मतलब छोड़ो यार, मूड ऑफ कर दिया। मेरा इतना ही लाइक बुरा हुआ, लाइक मतलब इतना बुरा क्या, देखो मन मेरा भी था जाने का बट मैं नहीं जा पाया, ठीक है। बस यही चीज़ है कि मैं नहीं जा पाया, ठीक है, इतना ही मैंने करा है वो। अब उस चीज़ को लेके आप लोग गद्दार बोलोगे तो नहीं होगा ना ब्रो। टोंडराय की वजह से आप इतने दूर तक आए हो, वरना आप कुछ भी नहीं थे। हाँ मेरे को पता है, और मैं कब डिनाई कर रहा हूँ इस बात को लेकर, कभी डिनाई किया मैंने ये बात को लेकर, वो तो मैं खुद बोलता हूँ, मैंने खुद बोला है हज़ारों बार, इस पर कुछ है ही नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं होता। लाइक मैंने स्ट्रीम में देखा फिर सुना तो थोड़ा अजीब सा लगा, पता ना। लाइक वो चीज़ मेरे को कॉल करके बोलो ना, लाइक ऐसे सबके सामने कुछ भी बोल रहे हो जो मन की बात है तो वो गलत है ना, लाइक वो तो मिसलीडिंग हो गई ना, वो गद्दार है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, वो मेरे को सही नहीं लगी यार। नीज़ भाई यूट्यूब का गाइडलाइंस है कि कोई क्रिएटर दूसरे क्रिएटर को हेट नहीं दे सकते। अरे ना ना पागल, अपने भाई है भाई, भाई पे कौन एक्शन लेता है पागल, क्या एक्शन। लाइक देखो उनके पीओवी से वो भी सही है, ऐसा नहीं कि वो गलत है, ठीक है। लाइक मेरे को भी मिलने जाना था, मेरा मन भी था गाइस जाने का, बट मेरे भी कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ लाइक मेरी सिचुएशन ही अलग थी ना, इसलिए मैं नहीं जा पाया, वही चीज़ है। वो लोग को मैं बुरा थोड़ी बोल रहा हूँ, बस वही चीज़ है ना, उन लोगों ने मेरा समझा नहीं, एंड देन वो लोग ऐसा लाइव पे आके ऐसा ये सब चीज़ें बोल रहे हैं, रिश्ता नाता है, एंड देन ये वो जिसने वो किया ये किया, तो वो चीज़ गलत लगा मेरे को, और कुछ भी नहीं यार। यू प्रॉब्ली आई सेड यू नॉट इवन कॉल मस्ट टू कैन बाई सो, यार किसी का एक्सीडेंट हो रखा है, ठीक है, हमको भी लाइव में पता चलता है, लाइक जिस दिन सबको पता चलता है। और जबकि मैंने ज्ञान भाई से इससे कॉल पर कभी बात नहीं करा है, मैं कहाँ बात करता कॉल पर, समझ रहे हो। और एक्सीडेंट वाले के पास फ़ोन कैसे होता है यार, अजीब समझते हो यार। एक होता है ना कि हम लोग रेगुलर फ़ोन पे बात कर रहे हैं, ऐसा होता है, वो चीज़ कभी हुआ ही नहीं है तो कैसे होगा ब्रो। मैं टोनीता को खुद उतना कॉल नहीं करता यार, मेरी साइड से तुमको कुछ पता ही नहीं है ना भाई, तो उस हिसाब से मेरे को जज मत करो। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और गाइस आप सभी से रिक्वेस्ट है किसी की भी हेड मत करना, ठीक है। तो गाइस मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।